नमस्कार आज मैं आपको साधारण तुलसी मैया की पूजा कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन साधारण रूप से तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं तो सबसे पहले जल चढ़ाते हैं और आप देखिए कि तुलसी जी की पूजा में हमने क्या क्या सामग्री ली है और किस तरह से हम पूजा कर रहे हैं तो आप वो चीज़ देखिए ये पूजा करना जैसे लोग शादी करते हैं तुलसी मैया की वो एकादशी के दिन करते हैं कि आप शालीग्राम के साथ शादी करते हैं तो वो थोड़ा विस्तार में पूजा की जाती है लेकिन ये साधारण पूजा है जब कोई बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर पाता है तो वो इस तरह से तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करे कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक के महीने में जल चढ़ाना तुलसी जी को दिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है और क्या क्या सामग्री मैंने रखी है क्या भोग लगाते हैं तो वो आप देखिए तो मैंने तुलसी मैया को सबसे पहले लहंगा पहना दिया था ऊपर से चुनर भी उड़ा दी थी और छोटी तुलसी मैया मेरे दो तुलसी मैया है एक बड़ा गमला है एक छोटा गमला है तो आप देखिए किस तरह से मैं छोटी वाली तुलसी मैया को चुनरी उड़ा रही हूँ और मैंने दिया जला दिया है और जल पहले सबसे पहले जल चढ़ाया फिर दिया जला जलाया है और उसके बाद मैं तुलसी जी को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ बिंदी का पत्ता और क्या नाम है फूल भी हैं हमारी उसमें और ये देखो आलता चढ़ाया है हमने और ये चूड़ियाँ चढ़ाई हैं हमने तो चूड़ी की डिब्बी भी ले ली थी हमने और जैसे सात नौ ग्यारह चौदह ऐसे चूड़ियाँ भी चढ़ा देते हैं तो तुलसी की जो डिब्बी हमने ली है चूड़ियों की तो उसको क्या करते हैं कि हम अपना पूरे साल थोड़ी थोड़ी करके पहनते रहते हैं तुलसी जी की और दूसरी बात यह है कि और जो सामान है हमने तुलसी पे चढ़ा वो हम दान कर देते हैं तुलसी जी का किसी सुहागिल को दान कर देते हैं ये सामान सब और आपकी इच्छा है तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा नहीं है लेकिन अगर आप दान पुण्य करने वाले हैं तो आप दान पुण्य भी कर सकते हैं ये सब जो भी सुहाग का सामान चढ़ाया गया है वो दान कर दिए और जो तुलसी मैया के ऊपर चुनरी उड़ी है ये सब उड़ा हुआ है लहंगा पनी ये सब पहने रहने दिए तुलसी मैया को और पांच सात चूड़ियाँ भी उनको जो उनकी डालियाँ होती हैं उनमें चूड़ियाँ भी पहना दीजिए वो भी पहने रहने दीजिए और बिंदी का पत्ता है और सामान है तो आप उठा लीजिए या दान कर दीजिए या खुद यूज़ कर लीजिए उसमें और सबसे पहले तो आपको दिया ही जलाना है वो जलता रहे जब तक आप पूजा करती रहेंगी दिया जलता रहे कथा भी कहना है लेकिन मैंने कथा यहाँ पर आपको अभी नहीं सुनाई है कथा मैं सुना चुकी हूँ पहले तो आप वो सुन लीजिएगा और कथा मैंने कही थी वो मैंने इसमें नहीं डाली है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से जो है पूजा की जाती है तो अब आप देखिए सिंदूर हम चढ़ा रहे हैं सिंदूर पहले भी चढ़ा सकते हैं जब जड़ चढ़ाने के बाद में दीपक जलाने के बाद में भी सिंदूर चढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं है और उसके बाद आप जो है भोग चढ़ाएंगे तुलसी मैया को तो। तो भोग में क्या है देखो हमने बनाई है पूड़ी बनाई है छोटी छोटी जो हमारे कुचैया बोली जाती हैं तो ये क्या जोड़े से चढ़ाया जाता है दो दो करके तो ये तीस बनती हैं पूरी साठ बनती हैं लेकिन यदि आप इतना नहीं बना सकते तो आप ग्यारह जोड़े बना लीजिए इक्कीस जोड़े बना लीजिए ग्यारह सात जोड़े भी बना लीजिए लेकिन जोड़े से ही चढ़ाइए और इसके साथ खीर बना लीजिए या फिर रबड़ी बना लीजिए हमारे यहाँ तो रबड़ी और खीर में से कुछ भी एक बनता है या आप वो नहीं बना सकते हैं तो आप गट्टा चूरा जो जो गट्टा और वो खिलौने होते हैं हमारे दीपावली माते आते वो जूठे ना हों अगर रखे हैं तो आप उनको भी यूज़ में ला सकते हैं साथ में भोग लगा सकते हैं या पेड़ा मंगा लीजिए मार्केट से आप पेड़ा चढ़ा सकते हैं तुलसी मैया को तो इस तरह से आप साधारण तुलसी की पूजा कर सकते हैं जिसको कि आप बिल्कुल भी परेशानी नहीं है ऐसे पूजा करने में तो मैंने शादी नहीं की हुई है कि तुलसी की और सालिग्राम की शादी मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ कार्तिक पूर्णिमा को मैं एकादशी को नहीं करती हूँ एकादशी को मेरे यहाँ दूसरी तरह की पूजा होती है तो इसलिए मैं कार्तिक पूर्णिमा मेरी माँ मेरी दादी लोग मेरी सास भी इसी तरह से पूजा करती थी साधारण रूप से तो इसलिए आप जो है इसी तरह से आप पूजा कर सकते हैं कि आपने देखा कि मैंने क्या क्या सामान चढ़ाया हुआ है और फूल भी चढ़ाया है तुलसी मैया को और श्रृंगार का सामान और ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं कम भी चढ़ा सकते हैं उससे कुछ नहीं है बस लेकिन चूनर बहुत ज़रूरी है चूड़ियाँ ज़रूरी है सिंदूर जरूरी ज़रूरी है आलता ज़रूरी है कुछ चीज़ें पाँच सात चीज़ें तो ज़रूरी हैं और इसके बाद हम देखो तुलसी मैया का चुनर ठीक कर रहे हैं कि अच्छी लग रही तुलसी मैया बहुत प्यारी लग रही हैं जब इनको सजा दो तैयार कर दो तो बहुत अच्छी लगती हैं लोगों ने कितने कितने गाने बनाए तुलसी जी के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर लोग गाते हैं और इसके बाद हम तुलसी मैया की आरती करेंगे तो आरती इस तरह से मना कर लेंगे और मैं तो आरती गाई हुई है लेकिन मैं आपको विस्तार से बताने के लिए मैंने डब्बन के अलग से आपको बताया है कि किस किस तरह से तुलसी मैया की पूजा कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन और इसी तरह से आप तुलसी तो की पूजा कर सकते हैं फिर आरती गाइए आरती गाने के बाद में एक तीसा हमारे यहाँ जलाया जाता है तीस बत्तियों का जो पूरे महीने नहीं आरती कर सकते हैं कोई दिक्कत आ रही है या कुछ है कहीं चले गए हैं तो आप तीस बत्तियों का जो तीसा होता है वो कच्चे धागे से बनता है और कच्ची कच्चा सूत मंगा के उसके इस लपेटे करके और उसका भी दिया जला सकते हैं जैसे है ये हमने जलाया है उसको भी आप जला सकते हैं तीस बत्तियों का जो होता है तीसा तो इस तरह से आप इसको भी जला सकते हैं और इसी तरह से अब तुलसी से माफ़ी मांग लेंगे कि हमसे कोई गलती तो ही है माता रानी हमने कोई गलत तो नहीं किया है तो माता रानी हमें माफ़ कर दो हमारे बच्चों की रक्षा करना हमारे सुहाग की रक्षा करना हमारे घर परिवार की रक्षा करना और मैं भोग लगा देती इस तरह से आचमन सारी चीज़ों का और आरती का आचमन और सब भोग वगैरह कर देंगे कि माता रानी का भोग लग गया समर्पण है जो भी है हमारे पास वो सब माता रानी को समर्पित है हमारे घर की परिवार की सुख संपदा की रक्षा करना माँ जय माँ तुलसी